عزيز ناظرين وسامعين الكرام، وسيلة أردو تي في أفكر بروهير. आज तकसीमी इनाम पर जगह सर का इनका किया गया है। इस सिलसिले में सदरी जलसा मोहतरम शाइस्ता यूसुफ साहब से मैं ख्वाहिश करती हूँ कि वो मसनद पर तशरीफ लाए। आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब हामिद अकमल साहब से गुजारिश है कि वो मसनद पर तशरीफ लाए। जनाब रिजवान मशहूर साहब से गुजारिश है कि वो मसनद पर तशरीफ लाए। जनाब शाहिद महमूद साहब से भी गुजारिश है कि वो मसनद पर तशरीफ लाए। कहाँ से इब्तिदा करूँ, कहाँ पे इंतहा करूँ, कहाँ से लाऊं जुबान या रब कैसे तेरी सना करूँ। मेरी सोच है महदूद सी, मेरे कलम में इतनी सकत नहीं कि तेरी बड़ाई बयां करूं और इस तरह से वफा करूं। मैं मोहतरमा डॉक्टर कौसर परवीन साहबा से गुजारिश करती हूं कि वो हमारे मेहमान का तारुफ करवाते हुए अपना खैर महफिल निसा। दरअसल हमेशा तहजीबी सकाफती प्रोग्रामों के लिए अदबी इजलास के लिए अपनी एक शनाख्त रखती हैं, लेकिन आज शाइस्ता यूसुफ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, तो हम इस मजमूई खिदमत के सिलसिले में भी उनकी तहनियत आदम पेश करेंगे। आज दोनों इजलास में आप तमाम की आमद पर मैं तहे दिल से आप तमाम को खुश आमदीद करती हूँ। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा को भी मैं दिल का मदम करती हूँ कि आप बेंगलुरु से तशरीफ लाएँ। महफिल निसा की जहाँ जहाँ चाहते हैं आपकी सरपरस्ती उसी अंदाज में होती है जैसे बेंगलोर में होती है, और हम इसको बहुत खुश दिली से कबूल करते हैं और बड़ा फख्र भी महसूस करते हैं। आज आपकी आमद पर मैं दिली खुशामदी कहती हूँ। जनाब शाहिद महमूद साहब का ताल्लुक वसीला टीवी से है, वो कड़पा के रहने वाले हैं। आज हम यहाँ उन्हें गजल के जो मुकाबले होने जा रहे हैं रंगे गजल, वो उसी के कर्ता धर्ता भी हैं, कारकर्दगी भी उन्हीं की है। तो आज हम इस इजलास में आपको शहर गुलबर्गा में आपके आमद पर दिली खैर मकदम करते हुए खुश आमदीद कहती हूँ। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं गुलबर्गा की जाने पाने शख्सियत और फिर गुलबर्गा का फख्र, जिन्हें कल्ली ने हाल ही के प्रोग्राम में पहन पीरजादा साहब ने कहा कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने उनसे झिड़की ना सुनी हो। और सबसे अहम बात है कि उस शख्स की झिड़कियों में जो तरबियत का अंदाज है वो बहुत कम खुश नसीब है जिन्हें वो मौका नसीब हुआ है। उस शख्स को हम हमें अकमल कहते हैं, और यकीनन गुलबर्गा का फख्र साहबत की एक आवाज, गुलबर्गा को साहब की दुनिया में शनाख्त करने वाली शख्सियत को हम अपने इस इजलास में खुश आमदीद कहते हैं। इस मौके पर एक और मेहमान गुलबर्गा में अपनी एक शनाख्त एक इनकलाबी रोल रखने वाली शख्सियत जनाब काजी रियाजुर रहमान साहब को मैं यहाँ पर रिजवानुर रहमान साहब को दिल खैर मकदम करती हूँ महफिल निसा के इस इजलास में। हम जानते हैं काजी साहब की अपनी खिदमात हैं, चाहे वो किले के लिए हो, गुलबर्गा में तलबा के लिए हो या असातिज़ा के लिए हो, मुसलमानों के मिली मसाइल हो, उन्हीं के साथ साथ वो शख्सियतों का एहतराम भी जानते हैं। जिस शोबे हयात में भी वो महसूस करते हैं इनकी अपनी शख्सियत है, इनका अपना एक रंग है, या फिर वो एक मुनफरिद शख्सियत है, तो वो ज़रूर उसके एतराफ में अवार्ड पेश करते हैं, चाहे वो मजमूई खिदमात हो या फिर अनमोल रतन अवार्ड। आज हम इस इजलास में काजी साहब को दिली खैर मकदम के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए, बेंगलुरु में तो एजाज साहब उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, मगर हम सब उन्हें एक ऐसी खातून
जो तालीम याफ्ता हो, जहद पसंद हो और फिर इस अंदाज से जिन्हें जानती हो, ऐसे मशरूफ़ी का तो उनको मैं शाइस्ता यूसुफ के नाम से ही जानती हूँ। आज हमारे शहर में अपने सदर को खुश आमदीद कहते हैं, हम दिली मसरत महसूस करते हैं अराकीन का और आप तमाम का। मुबीन जख्म साहब का भी मैं खैर मुकदम करती हूँ, अयाज का भी करती हूँ कि अयाज अक्सर हिंदुस्तान से बाहर होते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वह हमारे इस इजलास में शरीक है। आप तमाम को दिली खैर मुकदम करती हूँ और साथ ही साथ अब जो तशरीफ ला रहे हैं ये उर्दू का वो शख्स है जो माजूर होने के बावजूद भी जिस दिल लगी के साथ हर जगह मौजूद होते हैं, हम उन्हें खुश आमदीद करते हैं। आप तमाम का दिली खैर मुकदम करते हैं, बहुत बहुत खुश आमदीद। शाइस्ता यूसुफ एक नाम ही नहीं, एक तंजीम का नाम है, एक खातून ही नहीं, वो एक मुसम्मम इरादा, एक जहद का नाम है जो उर्दू की फरोख के लिए काम करते हैं। हम देखते हैं अब सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, कर्नाटक से बाहर भी यौम उर्दू इस शान और शौकत के साथ मनाया जाता है जिसकी अपनी एक मिसाल है। शायद बेंगलुरु के रहने वाले वो उर्दू के जियाले या वो मर्द हजरात ने भी कभी कोई रैली नहीं निकाली होगी जो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक शाइस्ता यूसुफ बड़े एहतमाम के साथ उसका एहतमाम करती है। जिन लोगों ने उसको देखा है यकीन वो बहुत मुतासिर होंगे। यही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे वो ख़वातीन जो दस्तकारी जानती हैं लेकिन अपनी चीज़ों को फरोख नहीं कर पाती हैं, उनके लिए भी बिल्कुल हौसला अफजाई के साथ उनके इस काम को बहुत ही खुश असलूबी से आगे बढ़ाती हैं। आज उनकी तमाम खिदमत, वो एक अच्छी शायरा ही नहीं एक अच्छी नसर निगार भी हैं, तो आज शायद हम बहुत जल्द आपका नावल भी मंजरियाओं पर देखेंगे मुझे यकीन है। तो आज खाजी रिजवानुर रहमान शाह बैंक मनी फाउंडेशन की जानिब से आपकी खिदमत में ये अवार्ड पेश करने जा रहे हैं। मैं मैडम से ख्वाहिश करती हूँ कि वो आगे मस्तक पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब फहीम पीरजादे साहब से गुजारिश करता हूँ कि तहिया पेश करें और साथ साथ अतहर बाबा से भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आकर शाइस्ता यूसुफ साहब का तहिया पेश करें। आज चूंकि मैं मेरे फाउंडेशन की जानिब से शाइस्ता यूसुफ साहब को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड की पेशकशी की गई है, चुनांचे हम अपने सदर जलसा और महफिल निसा के सदर मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहब की खिदमत में इसी ज़िमन में तहनियत पेश करने की सादत हासिल करना चाहते हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ शाइस्ता यूसुफ साहब से कि एक बार फिर वो तशरीफ़ फरमाऊँ ताकि महफिल निसा शाह गुलबर्गा की जानिब से आपकी तहनियत पेश की। मैं शायद मेहमद साहब से गुजारिश करूंगी कि वो कुछ मुख्तसर सब हम सब से जो है मुखातिब हो जाए कुछ अपने ख्याल का इजहार। शेर रशीद पर तशरीफ फरमा सदर जलसा मेहमान मौजिज हाजरी तलबा तालिबा, मैं सबसे पहले उन तलबा और तालिबा की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मजहबती मुकाबलों में इनाम हासिल किए हैं। मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है उसमें सिर्फ तलबा और तालिबात को
नंबर हासिल करने की मशीनें बना की गई हैं। एक अहद था जब तलबा और तालिबात ने निसाबी मालूमात के अलावा भी दीगर सरगर्मियों के जरिए उनकी सलाहियतों को उभारा जाता था, लेकिन आज स्कूलों में ना तो मैदान है ना उनकी जो सलाहियतें हैं बातिनी सलाहियतें उन्हें पहचानने, उन्हें उभारने, उन्हें जिला बहसने के सामान इस अहद में मुहैया नहीं है। 4 मंजिला, 3 मंजिला, 10 मंजिला इमारतें बना दी गई हैं तालीमी इदारों के लिए, वहाँ सिर्फ निसाबी तालीम दी जा रही है। तो इस अहद में और इन हालात में इस तरह के मुकाबलों की बे इंतहा ज़रूरत है, क्योंकि असल जो इंसान की पहचान है वो उसकी अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर होती है। शहद की मक्खी की पहचान शहद है, जबकि दुनिया में मक्खियों की बेशुमार अकसाम मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी की पहचान कायम नहीं होती, लेकिन सिर्फ शहद की मक्खी की पहचान इसीलिए कायम होती है कि उसकी पहचान शहद से होती है। तो शहद का बनाना ही उसकी बातिनी सलाहियतों की पहचान है, और इस तरफ तालीमी इदारों की जो मुंतजमीन हैं उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक शेर है कि उस शख्स का कोई भी मेयार नहीं होता, उस शख्स का कोई भी मेयार नहीं होता बातिन में निहाल जिसके फनकार नहीं होता। और यहाँ जो दूसरी तकरीब मुनक़द की गई है वो गज़ल सराई के सिलसिले में है, और गज़ल सराई के पीछे जो मकसद पोशीदा है वो 2 मकासिद हैं। एक तो अदबी मकसद है, और चूंकि अदब का रिश्ता समाज से भी है तो इस तरह हम 2 मकासिद को एक साथ पूरा कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। पहला मकसद ये है कि मौजूदा अहद में ज़िंदगी के हर शोबे में इंतशार की सी कैफियत मौजूद है, इस कैफियत को इन हालात में इत्तेहाद की एक सूरत पैदा करने के लिए लिसानी सतह पर और अदबी सतह पर इत्तेहाद की एक सूरत पैदा करने के लिए हमने गज़ल को मरकज़ बनाया है। गज़ल सब जानते हैं कि उर्दू अदब की आबरू है, लेकिन ये उर्दू अदब और गज़ल की खुशनसीबी है कि गज़ल न सिर्फ उर्दू ज़बान में बल्कि हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों में भी उतनी ही मारूफ है जितनी उर्दू अदब में। तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, गुजराती में, मराठी में भी गज़लें कही जा रही हैं, ये उर्दू गज़ल की मकबूलियत का एक बयान सबूत है। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम में हमने गज़ल को स्क्रिप्ट से, रस्मुल खत से आज़ाद कर दिया है। चाहे किसी की ज़बान मादरी ज़बान उर्दू हो ना हो या दीगर ज़बानों से उनका ताल्लुक़ हो, वो तमाम अहबाब, वो तमाम लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, और सिर्फ गज़ल जो है वो अपनी ज़बान में लिखें लेकिन उनका लबो लहजा उर्दू का हो। जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आप कन्नड़ में लिखिए, मलयालम में, तेलुगु में, गुजराती में लिखिए, लेकिन आपको उर्दू में ही पढ़ना है। जिस तरह आजकल उर्दू की मुताशायरात जिनका ज़्यादातर ताल्लुक हिंदी से है, वो हिंदी में उर्दू गज़लें लिखकर मुशायरे पढ़ती हैं और मुशायरे लिखते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। इससे बुलंद हमारा मकसद है वो ये है कि हम उर्दू गज़ल को दीगर ज़बानों में मुतारफ़ कराएँ, उर्दू गज़ल को शोरा का तारुफ़ कराएँ, उर्दू लबो लहजे से उन्हें मुतारफ़ कराएँ, उर्दू अल्फाज के तलफ़ से उन्हें मुतारफ़ कराएँ। और जब दीगर ज़बानों के लोग उर्दू के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे तो यकीनन उर्दू ज़बान सीखने में उनकी दिलचस्पी भी पैदा होगी। इस तरह हमारा मकसद जो है वो पूरा होगा, और इसका बुनियादी मकसद भी
यही है, और साथ ही लाइफ अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने के लिए मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहिबा की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुश्किल ये है कि मौजूदा दौर में हर काम को खिदमत समझ लिया जाता है, जबकि हर काम का शुमार खिदमत में नहीं होता। खिदमत का शुमार उसी काम का होता है जो ज़ाती मफाद से बलंतर होकर किया जाए, जिसमें अपना कोई निजी मफाद शामिल ना हो और महज शोहरत हासिल करने के लिए या इनामात हासिल करने के लिए जो काम दिया जाता है उसका शुमार खिदमत में नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक शाइस्ता यूसुफ साहबा की शख्सियत, उनकी सरगर्मियों और उनके काम, उनके अदबी, सामाजिक, तालीमी मैदानों में उनके काम को देखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो यकीनन इस अवार्ड के लायक थे और उन्हें ये अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बैमनी फाउंडेशन के सदर मोहतरम जनाब काजी रिजवान शहू साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो अपने ख्याल का इजाम शनिशन का तशरीफ फरमा। सदर जलसा, मेहमान खसूसी, महफिल निसा के सभी जिम्मेदार, मेरे बुजुर्गों, हाजरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं सबसे पहले महफिल निसा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज के जलसे में मेरे जलसे का रुका हुआ एक अवार्ड जो 29 अक्टूबर 2023 को सभा गार्डन फंक्शन हॉल में दिया जाना था, या उस सिलसिले में वो रुकी की तकलीफ का आज पाया तकमील को पहुंचा। बहमनी फाउंडेशन खिला गुलबर्गा एक छोटी सी तंजीम है, इसकी एक कोर कमेटी है। ये कोर कमेटी ने मिलकर ये सोचा कि अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ किया जाए, कि अपने बच्चों के लिए हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के तलबा के लिए मुकाबलेजात लेने खत करें। वैसे मैंने इसका इफ्तिताह 2016 में गुलिस्तान हिंद के नाम के अल्लामा इकबाल, मौलाना आज़ाद और टीपू सुल्तान के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन शुरू किया था। उसको फिर थोड़ा सा अच्छा बेहतर करते हुए सलातीन बहमनी की तारीख को उजागर करने के लिए हमने जश्न बहमनी के नाम पर उसी तरह के ऐसे कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन के मुकाबले इनेकाद करते रहे। उसके बाद इस तंजीम में और कुछ अहबाब ढूंढना शुरू हो गया। सबका यह राय थी कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना अपनी तरफ से हो सके उसको बच्चों के लिए मोहब्बत पैदा करें। उस सिलसिले में हम लोग अज़ा, क़िरात, नात, तहरीर, तकरीर को पुलिस के मुकाबले का इनाकात करना शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 1140 बच्चों ने हिस्सा लिया। अल्लाह का लाख लाख का शुक्र एहसान है कि बहमनी फाउंडेशन के जरिए बच्चों में दीनी तालीम का भी जोश पैदा हुआ, साथ साथ तारीख पर भी बच्चे काफ़ी उबूर हासिल कर चुके हैं। बहमनी फाउंडेशन खिला के नाम से जब मैं पानी क्या बनना चाहिए बनाया हूँ, मेरा मसला मैं सभी स्कूल के मैनेजमेंट से, स्टाफ से और स्टूडेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहमनी फाउंडेशन का अभी तक साथ देते आए हैं। हमारे तहत जो मुकाबले जात का इनका हो रहा है वो लोग हिस्सा ले रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर महफिल निसा का, गुलबर्गी की तंजीम का अपनी जानिब से, बहमनी फाउंडेशन खिला गुलबर्गी की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ मुझे यहाँ पर बोलने के लिए आप लोग मौका दिए उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने हमारे शहर गुलबर्गा के नामवर अदीब सहाफ़ी मोहतरम जनाब हामिद अहमद साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने तासुरात करें।
धीरे धीरे आप मेहमान आए ठीक है आज के जलसे में शरीक मेहमान अगर ऐसा इसको चाहेगा फिर भी उसके खासतौर से कठिनाई है और ये जो है हमारे ह्यूमन एसोसिएशन के तहत चलने वाले खातिन के इदारे के भी सरपरस्त है और वो हमेशा नई लड़कियों और लड़कियों की तारीम और तरबियत को तोजह देती हैं और उनकी ज़्यादा भी सरगर्मियाँ हैं उनको फरोग देने में हमेशा कोशिश रहती है। मैं आपका अनुराग हूँ आज के जैसे में इलाहाबाद हाजिर करने पर बार बार पेश करता हूँ और मोहतरमा का सफर भी उनके साथियों को भी बार बार देता हूँ कि उनकी कोशिशों से ऐसे रहते होते रहते। आज के जैसे के सदर जलसा मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहब से मैं गदन गुजारिश करती हूँ कि वो सदारती करीमा अदा तशरीफ फरमा मुअज्जिज़ रफीकान और ह्यूमन एजेंट के हमारे साथियों अदब के साथियों ख़वातीन और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी ग्रुप का कि मुझे इस कालिब समझा कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा। हकीकत में अवार्ड क्या होता है मैं नहीं जानती, मैं यही जानती हूँ कि काम क्या होता है और जहाँ तक काम का ताल्लुक है मुझे लगता है कि उम्र खत्म हो रही है लेकिन काम तो कुछ भी हुआ नहीं। मुझे इतना पता है कि आगे समंदरों के हैं दजला फरात क्या इतने बड़े जहान में अपनी बिसात क्या। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक है मैं फिर इंसान ने हमेशा कोशिश की है और मैं बहुत खुशी के साथ एतराफ़ करती हूँ कि गुलबर्गा ने इसने हमारा बहुत साथ दिया है। हमने जब महफिल निसा का पहला जलसा शुरू किया तो 10 साल पहले 12 साल पहले कहिए कि हम पहला मरकज हमारा गुलबर्गा ही था और ह्यूमन एज जब से आज तक हमारा लगातार साथ देता आ रहा है और यहाँ पर शमीम सुनिया साहिबा हो कि कौशल करीम हो या तमाम साथी जिनको मैं आज देख रही हूँ जो उन्होंने हमेशा इतना साथ दिया है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी बल्कि मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखूँ। इंसान ताउम्र सीखता रहता है और हम तमाम को सीखते ही रहते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि ज़बानें मर रही है या उर्दू का क्या होगा या हिंदी का क्या होगा या कन्नड़ का क्या होगा, किसी भी ज़बान की ताकत उसके चाहने वाले और उसके लोग होते हैं। चाहे दुनिया में 4 लोग क्यों ना बचे वो अगर चाहें तो अपनी ज़बान को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं। ज़बानें ख़त्म नहीं हो रही हैं, हमारी दिलचस्पी ज़बानों से ख़त्म हो रही है बल्कि अगर आप देखें किसी भी ज़बान का इल्म किसी भी ज़बान की तारीफ वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है और ज़्यादा वसी हो जाती है पर हम हमारी नज़रें उसको देखने से महरूम हैं तो उसको देखना चाहिए। हमें माजी हाल और मुस्तकबिल तीनों चीज़ों पर नजर रखनी है और ये देखना है कि माजी में क्या कुछ हो चुका जिसको हमने नहीं देखा और हाल में जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसको कैसे करना है और मुस्तकबिल में हमको माजी से कौन सी चीज़ें खींच कर लानी है। अब वक्त आ गया है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी तालीम याफ्ता जितने भी ज़बान से मोहब्बत करने वाले हैं वो इस बात पर गौर करें कि हम मिलजुल कर ज़बान को कैसे बचाएं। इसको सिर्फ नारे लगाने से या बहुत सारे लोगों से ये काम नहीं होगा, बस अगर इसके चाहने वाले 5 लोग हों तो 5 करोड़ के बराबर होगी। जो कुछ वो असासा आज छोड़ जाएंगे इंशाल्लाह आइंदा नस्ल के लिए बहुत कारगर होगा। अब मैं बहुत आपका वक्त नहीं लूँगी, शुक्रिया समाचार। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.